नमस्कार दोस्तों, मैं संजय। स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फेसबुक के एक ऐसे सेटिंग के बारे में बताऊंगा फ्रेंड, जो कि अगर आपका फ्रेंड्स फेसबुक का फेसबुक आईडी और पासवर्ड भी अगर जान जाता है तो आपका फ्रेंड है जो कि फेसबुक को लॉगिन नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली में फ्रेंड्स व्हाट्सएप में भी ये सेटिंग होता है, फेसबुक में भी होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको ये सेटिंग के बारे में पता नहीं है। फ्रेंड्स, जो कि मैं बात करने वाला हूँ फेसबुक व्हाट्सएप में, उस सेटिंग का नाम है 2-स्टेप वेरिफिकेशन, लेकिन फेसबुक में इस सेटिंग का नाम है 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इस सेटिंग से को अगर आप अपने फेसबुक में इनेबल कर देते हैं फ्रेंड, तो बहुत ही आसानी से आप अपने फेसबुक को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन घंटी को दबा दें। दोस्तों, जब आप बेल आइकन घंटी को दबाएंगे फ्रेंड, तो उसमें एक ऑल का ऑप्शन आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि मैं जब भी इस तरह का कोई भी वीडियो डालूंगा फ्रेंड, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा फ्रेंड। तो चलिए फिर वीडियो का स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं आप अपने फेसबुक में 2-स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप में ये सेटिंग नाम है फ्रेंड। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप अपना फेसबुक को लॉगिन कर लें, उसके बाद मैं आपको ये सेटिंग कर मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना फेसबुक को ओपन करता हूँ। यहाँ पे फेसबुक ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ जो कोने में 3 डॉट है फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। 3 डॉट के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सेटिंग में जाना होगा फ्रेंड्स। तो देखिए, मैं यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी में जा रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें सेटिंग है, तो इसके ऊपर सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाएँ, यहाँ पे देखें फ्रेंड्स सिक्योरिटी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे सिक्योरिटी एंड लॉगिन, इसके ऊपर यहाँ पे नीचे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स लिखा हुआ 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपना नंबर अगर डाल देंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज, तो यहाँ पे आप इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे, तो यहाँ पे आपको एक नंबर मांगेगा, उसको उस नंबर को डाल दीजिएगा। तो जब भी आप कभी भी फेसबुक को लॉगिन कीजिएगा तो आपको ओटीपी एक आएगा, जिस जो नंबर आप यहाँ पे डालेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर लिखने के लिए मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं जो नंबर यहाँ पर डाल दूंगा फ्रेंड्स, तो उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसके बाद ही आप अपना फेसबुक को लॉगिन कर सकते हैं। इस दौरान आपका कोई भी पासवर्ड अगर फ्रेंड लोग जान जाता है, फेसबुक का ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर जान जाता है, तो वह चाह कर भी आपका फेसबुक लॉगिन नहीं कर सकता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे अपना नंबर लिख कर डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना नंबर डाल दिया हूँ, और उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा पासवर्ड मांग रहा है, तो जो कि मैं फेसबुक का इस पर यहाँ पे पासवर्ड डालकर कन्फर्म कर दूंगा फ्रेंड्स। तो बहुत ही आसानी से मेरा 2-स्टेप वेरिफिकेशन फेसबुक का ये हो जाएगा फ्रेंड। तो अपने फेसबुक में ये सेटिंग जरूर कर कर रखें फ्रेंड, ताकि आपका फ्रेंड फेसबुक आईडी और पासवर्ड जान जाता है तो फिर चाहकर भी वो आपका फेसबुक आईडी लॉगिन नहीं कर सकता। अगर आप 2-स्टेप वेरिफिकेशन अपने फेसबुक में कर रखते हैं तो फ्रेंड्स, ये फेसबुक आपको सेटिंग कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।